दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी सॉन्ग पर जो सॉन्ग आपको अच्छा लगता है उस पर आप लिरिक्स वीडियो कैसे बना सकते हो। इस वीडियो को आपको फुल एचडी में प्ले कर लेना और आपको बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए आपको पड़ेगी VNF की ज़रूरत। आप देख सकते हो VNF में मैं आपको लिरिक्स वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ, और आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाना और फिर आपको VNF में आ जाना है। VNF को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। और फिर आपको करना है प्लस वाले आइकन पर क्लिक, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है जिस फोटो पर आप लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो मैं इस वाले फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद जो नीचे एरो वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसका आपको फ्रेम चेंज कर देना है। फ्रेम कैसे चेंज करना है, ऊपर लिखा है ओरिजिनल, यहाँ पर टिकटॉक फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना, तो आपका फ्रेम बिल्कुल साइज इस तरह हो जाएगा दोस्तों। और जो आपका फ़ोटो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी लेंथ को आपको इस तरह बढ़ा देना है दोस्तों, आप देख सकते हो। और फिर आपको दोनों उंगली से इस तरह इसको कुछ छोटा कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये 16 सेकंड तक की यहाँ तक हमारी वीडियो हो चुकी है। आपको जितना सेकंड की वीडियो चाहिए उतना आपको इसको कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 16 की ही कर लेता हूँ। और फिर सॉन्ग के हिसाब से हम लिरिक्स लिखेंगे। सॉन्ग के हिसाब से लिरिक्स कैसे लिखना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों, म्यूजिक ऐड करना है। टैप टू ऐड म्यूजिक पर आपको क्लिक करना है और म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपको म्यूजिक अच्छा लगता है यहाँ से आपको किसी भी एक म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वाला म्यूजिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। और आपको यहाँ से इसको प्ले करना है। आपको जहाँ से म्यूजिक चाहिए, जहाँ से आपको लिरिक्स लिखना है, वहाँ से आपको इस म्यूजिक को ऐड करना है। तो मैं एक बार थोड़ी साउंड कर लेता हूँ दोस्तों अपने मोबाइल की। मुझे साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही कि मुझे कितना म्यूजिक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर साउंड कर ली है, अब मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से ये मुझे चाहिए दोस्तों, आप देख सकते हो मुझे यहाँ से ये म्यूजिक चाहिए। तो राइट वाले चेन पे क्लिक कर देना। अब आपको लिरिक्स कैसे लिखना वो ध्यान से देखना दोस्तों। तो लिरिक्स आपको बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो देखना दोस्तों, तभी आपकी समझ में आएगा लिरिक्स कैसे लिखना है। और बाद में ये वीडियो कैसी बनेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लास्ट में ज़रूर देखना किस तरह की लिरिक्स वीडियो यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है टैप टू ऐड सबटाइटल, इस पर क्लिक करना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर जो भी आपको अच्छी लगता है वो फॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लें। तो मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो जहाँ पर व्लॉग लिखा है ऊपर, उस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपका जो भी सॉन्ग का लिरिक्स है वो यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों जो मेरे सॉन्ग का लिरिक्स है यहाँ पर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो लाइन में मुझे लिख दिया है। अब आपको राइट वाले चिन्ह पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नीचे। तो दोस्तों जहाँ पर आपका लिरिक्स लिखा है उसके नीचे ठीक एक यहाँ पर एक क्रॉप है दोस्तों, यहाँ पर डेली टाइम लिखा है। तो यहाँ पर क्लिक करना, आप देख सकते हो तो डेली टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना, बस आपको राइट वाले पर क्लिक कर देना। अब आपका काम हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको देख सकते हो यहाँ पर, अब आपको मोशन वाले यहाँ पर जो आ रहा है इस पर ऑप्शन, मोशन वाले पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो फेड लिखा है आप देख सकते हो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दो, फिर आउट एनिमेशन में भी जाना है, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपका एक लिरिक्स यहाँ पर लिख चुका है, आपके जो साउंड है उसके हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करना है आप देख सकते हो, एक बार इसको प्ले करना है बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से हमारा लिरिक्स चालू है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो जहाँ पर आपका लिरिक्स है इस पर क्लिक करना, लॉन्ग टैप करना इस पर, और इसको आपको इधर ले आना है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ से आपका लिरिक्स चालू है, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर, तो इसको प्ले करता हूँ एक बार। तो यहाँ से दूसरा लिरिक्स चालू है, तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर कैंची वाला एक ऑप्शन है इस पर कट कर देना, इस पर क्लिक करना। अब आपको अगला लिरिक्स लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा लिरिक्स लिख देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरा लिरिक्स भी लिख दिया। अब आपको एक बार प्ले और करना, आप देख सकते हो। तो भाई मैं आपको यहाँ तक ही लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आपका ख़त्म हो जाएगा आगे भी इस तरह आपको लिख देना। और फिर क्या काम करना है, यहाँ पर मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ, इतना ही मैं बनाना चाहता हूँ दोस्तों ये वीडियो।
तो आपको अगर आगे भी बनानी है तो इस तरह ही कट करके लिख देना। फिर आपको क्या काम करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है, और जो ये दूसरा है सारे को आपको डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऊपर वाले पर क्लिक करना है और एडिट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको एक एक इमोजी ऐड कर देनी है टाइटल के हिसाब से जो आपका लिरिक्स है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक इमोजी लगा देता हूँ, जो ये दोस्तों मेरा टाइटल है जो मुझे लिरिक्स लिखा है, जो इसके लायक हो आपको अपने हिसाब से देख के लगा देनी है कि आपको कौन सी इमोजी यहाँ पर ऐड करनी है। तो मैं ये वाली ऐड कर देता हूँ, राइट वाले चेन पर क्लिक कर देना। फिर आपको अगले उसमें क्लिक करना है, इस पर अगले में भी आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर भी आपको एक लिरिक्स इमोजी ऐड कर देनी है दोस्तों। तो ये रही, तो दो इमोजी ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका बन जाएगा। अब आपको जो ये इमोजी है इनको थोड़े थोड़े नीचे करना है। तो नीचे कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों जो आगे वाली है इस पर भी क्लिक करना, इसको भी आपको नीचे की ओर यहाँ पर रख देना है। तो अब आप ध्यान से वीडियो को प्ले करके देख सकते हो दोस्तों। तो इस तरह का अगर आपका लंबा सॉन्ग है तो यहाँ पर लिरिक्स भी आपको लंबाई लिखना पड़ेगा दोस्तों, कुछ इस तरह। इस तरह आप बड़ी वीडियो बना सकते हो। तो इसको एक्सपोर्ट करना आपको पता ही है दोस्तों, ऊपर क्लिक करना और राइट वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना, तो आपकी वीडियो आ जाएगी गैलरी में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।